को यदि सिली मिस्टेक से बचना है और सेलेक्शन पाना है, क्योंकि वही 30-40 नंबर आपके सिलेक्शन को डुबाएंगे और सिलेक्शन कराएंगे, तो हमेशा रिवीजन पे फोकस रखें और प्रैक्टिस पे फोकस रखें, और आपका एग्जाम तो प्रैक्टिस का एग्जाम है। समझ रहे हो? आपको अपने पेरेंट्स को भी प्रूफ करना है, उनके लिए भी कुछ करना है ना, जो आपने सोचा था कि लाइफ में कुछ अचीव करेंगे वो भी तो करना है। तो प्लीज अपने आप को बनाए रखो, आपको खुद का कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, खुद को लड़ाई में बनाए रखना है। इस ये एक तरीके की आपकी खुद से लड़ाई है ना बेटा, ये हर उस पर्सन से लड़ाई है जो आपको कुछ नहीं समझता है। जब आप बहुत अच्छा रिवीजन करोगे सब्जेक्ट का, डेली रिवाइज करोगे, ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस रखोगे, तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सिली मिस्टेक कम तभी होंगे जब रिवीजन अच्छा हो और पकड़ ज्यादा हो, प्रैक्टिस ज्यादा। अपने कॉन्फिडेंस को मतलब बिल्कुल ऐसा रखो कि नहीं हिलने देंगे और मेहनत करो, ठीक है? हम हर सेंस में एक बेटर कंटेंट की तरफ मूव करेंगे, तो आपके अंदर का वो यकीन, वो कॉन्फिडेंस होना नहीं चाहिए। हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे की अप्रोच अलग होती है, पर सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, सिंपल रखो। सिंपल कैसे रखना है, कुछ नया बहुत ट्राई नहीं करो। आपने लेक्चर देखो, अपनी DPP सॉल्व करो, अपनी NCERT पढ़ो। ये चीज़ समझ में आ रही? आपको बने रहना पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि वो सबसे मुश्किल टाइम या कहते हैं सबसे डिफिकल्ट मंथ्स होते हैं। चाहे आप किसी भी सेंस में ले लो कि यार अभी आपको एग्जाम की डेट्स दिखने लग जाती हैं। अगर वो बुरा दिन गया तो ट्राई टू मिनिमाइज द लॉसेस, मतलब कि शाम को 7 बजे 8 बजे भी अगर अकल आ गई है तो ये नहीं कि आप उसको कल पे डाल देना। अरे शाम को 7 बजे भी दिन के 5 घंटे बचे होते हैं यार, उन 5 घंटे में कुछ ना कुछ तो लॉस को मिनिमाइज करो। अगर आपका अच्छा दिन है, सुबह से लेकर शाम तक बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है? एंड ऑफ द डे आपको लगता है आपके पास टाइम है या आपको लगता है आप मैनेज कर सकते हैं और थोड़ा पुश कर सकते हैं, आधा घंटा शाम को भी निकालिए, मतलब एक गुड से ग्रेटनेस की तरफ जाइए। आपका कॉन्फिडेंस खोने लगता है तो यहीं पर संभालना है ना, यही टाइम है जहां खुद को बचाना है आपको। अगर बचा गए, आखिरी तक लड़ाई में बने रहे, तभी तो जीतोगे। कि अगर सुबह से लेकर शाम तक कुछ पढ़े नहीं है, मतलब कि एक दिन पहले प्लान किया था कल सुबह उठेंगे, कल संडे आ जाते भाई, कल सुबह तो बैकलॉग भी क्लियर कर लेना, रिवीजन भी कर लेना, ये भी कर लेना, वो भी कर लेना, और बहुत सारा प्लान भी कर लेते हैं, शाम के 7 बजे हमें पता चलता है ओ भाई आज तो कुछ भी नहीं किया। सो बेटा अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखो एंड मेहनत करो, ठीक है बेटा? हार्ड वर्क इज की टू एवरीथिंग। You can unlock each and everything in this world with your hard work. नया है, tough नहीं है, नया लगता है तो लगता है यार मुश्किल है यार, लेकिन एक बार कर जाओगे, दो बार कर जाओगे, तीन बार कर जाओगे, नहीं लगेगा मुश्किल, है ना? जिन बच्चों को tough लगा, ऐसा लगा सर tough था, है ना, तो भैया मेरी आपसे request है कि tough कुछ नहीं होता, नया होता है। If it's my good day, I try to make it a great one. If it's my good day, I try to make it a great one. मतलब कि अच्छा दिन है तो मैं उसे महानता की तरफ लेके जाता हूँ। And if it is my bad day, I try to minimize the losses. आप हो सके तो उसको स्टडी में अप्लाई किए, क्योंकि मैंने भी अप्लाई किया है ऐसे अपनी लाइफ में बहुत बार, ठीक है? जिन बच्चों को टफ लगा, ऐसा लगा सर टफ था, है ना, तो भैया मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि टफ कुछ नहीं होता, नया होता है। नया है, टफ नहीं है, नया लगता है तो लगता है यार मुश्किल है यार, लेकिन एक बार कर जाओगे, दो बार कर जाओगे, तीन बार कर जाओगे, नहीं लगेगा मुश्किल। Life should be greater rather than long. बहुत अच्छी चीज है। Life greater होनी चाहिए, लंबी जिंदगी नहीं चाहिए। Your life should be great. So बेटा अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखो एंड मेहनत करो, ठीक है बेटा? हार्ड वर्क इज की टू एवरीथिंग। You can unlock each and everything in this world with your hard work.